Subscribe and press the bell icon for latest update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल क्योरेन में। और आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे गंगा जल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत में गंगा जल को पवित्र माना जाता है और इसका इस्तेमाल पूजा के अलावा कई कार्यों में भी किया जाता है। साथ ही किसी वस्तु या फिर इंसान की शुद्धि करने के लिए भी इस जल को काम में लिया जाता है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि गंगा जल के पानी का उपयोग आयुर्वेदिक औषधि के लिए भी किया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है कि गंगा के पानी में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिसमें नहाने से कई प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गंगा में स्नान करने से हमारे शरीर की कौन कौन सी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि लोग गंगा के पानी को अमृत का रूप मानते हैं, इसीलिए लोग गंगा में एक बार नहाने के बाद अपने आप को पवित्र मान लेते हैं। वैसे दोस्तों, एक शोध की मानी जाए तो गंगा जल के पानी में निंजा नाम का एक वायरस पाया जाता है, जो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को ख़त्म करने का काम करता है। जी हाँ, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनकर लोगों की रग रग थर्राने लगती है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिस बीमारी का इलाज महंगी महंगी दवाओं से नहीं किया जा सकता, उस बीमारी का इलाज गंगा जल के पानी से हो जाता है। वहीं अगर किसी इंसान को सोते समय डरावने सपने आते हैं, तो ऐसे में सोने से पहले बिस्तर पर गंगा जल के छिड़काव करके सोने से आपको डरावने सपने तंग नहीं करेंगे। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई ये टिप्स आयुर्वेद और नेचर से जुड़े हैं। क्योरेन ही आयुर्वेद है, इसीलिए क्योरेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।